विकास के नाम पर स्थापित की जा रही परियोजनाएं वास्तव में नागरिकों के लिए आवश्यक है, और क्या सरकार ऐसे सक्षम संस्थाओं को स्थापित करने में सफल होगी? ऐसा सवाल शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से रखा गया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठी, प्रशांत पवार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। नागपुर में मेट्रो परियोजना जल्द ही विकास का स्मारक होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेट्रो रेल को करीब 170 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। हालांकि राजनेताओं और मेट्रो प्रशासन ने अब मेट्रो परियोजना के लिए नागपुर में स्थानीय व्यापारियों पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और कई व्यापारी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। ऐसा शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया। इस दौरान आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा पहले मेट्रो रेल के उद्घाटन में स्थानीय व्यापारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। दिन रात काम कर प्रोजेक्ट फेज को पूरा किया गया। कई स्थानीय नेताओं ने मेट्रो सरकार से सबक सीखा है, लेकिन हजारों व्यापारियों और हजारों अन्य लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय व्यापारी मेट्रो की इमारत और चेन के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे और व्यापारियों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी जानकारी भी इस दौरान दी गई। आज ज्या पत्रकार परिषद घेतली आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि जय जवान जय किसान ने, आमच्या नागपूरच्या नागपूर महामेट्रो जे हे सगळे उद्योजक आहेत आणि 2019 पासून यांचा नागपूर महामेट्रोने पैसे थकवलेले आहे। ILFS कंपनी आहे, त्या कंपनीच्या हे त्यांचे वेंडर आहे, पण ILFS कंपनीची 110 करोड़ रुपयाची सिक्युरिटी डिपॉझिट आजही महामेट्रोकडे जमा असताना सुद्धा या आमच्या नागपूरच्या उद्योजकांना पैसे न देण्याचं कटकारस्थान महामेट्रोचे MD ब्रिजेश दीक्षित हे करत आहेत। आम्ही आमची एकच मागणी आहे की आता तर ते बर्बाद झाले आहे, आता त्यांना आत्महत्येपर्यंत पोहोचवू नये अशी आमची महामेट्रोला आणि या प्रशासनाला रिक्वेस्ट आहे की ताबडतोब त्यांचं जे काही पैसे आहेत ते पैसे द्यावे। तुम्ही ज्या पद्धतीनं जो तुम्ही घट रचलेला आहे की बाबा या लोकांना आम्ही पेमेंट करणार नाही, ते पेमेंट तुमच्या जवळ जमा असताना तुम्ही करायला पाहिजे अशी आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि जय जवान जय किसानची मागणी आहे। जर तुम्ही नाही केलं तर येणाऱ्या सोमवारपासून संघर्ष अटळ आहे आणि त्याच्यानंतर आमरण उपोषणाला बसणं चालू करणार। माननीय पत्रकार बंधूंनो, मागच्या बरेच दिवसापासून कदाचित बरेच वर्षापासून जय जवान जय किसान चे अध्यक्ष आदरणीय प्रशांतजी पवार साहेब, विजयजी शिंदे साहेब आणि त्यांची सगळी टीम ही नेहमीच कुठल्या ना कुठल्या विषयामध्ये मेट्रोच्या विषयामध्ये आरोप झालेत। हे आरोप मी वर्तमानपत्रातून सुद्धा आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून सुद्धा मी पाहण्यात आले, परंतु आजचा जो गंभीर जो प्रकार दिसत आहे, ज्या पद्धतीनं हा 2000 कोटीचा उपहार झाला असेल, आज जय जवान जय किसाननी हा आरोप केला, हा 2000 कोटीचा असेल किंवा 200 कोटीचा असेल, उपहार तर उपहार आहे, याची चौकशी व्हायलाच पाहिजे। ज्या निमित्ताने आता 1-2 मिनिटाच्या पूर्वी एक क्लिपसुद्धा तुम्हाला ऐकवण्यात आली, हाही एक गंभीर विषय आहे। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, NCP नेता एवं जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार, NCP के पूर्व पार्षद राजेश माटे, जय जवान जय किसान संगठन के समन्वयक विजय कुमार शिंदे, सचिव अरुण वनकर, रविंद्र इतकेलवार, मिलिंद महादेवकर आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।